सुबह खैबर की के हुकूमत पिशावर के इलाका अफगान कॉलोनी की तंगो तारीक गलियों में पैदा होने वाले जफर ज़हीर को ये नहीं मालूम था कि वो कम उम्र ही में एक ऐसा रिकॉर्ड कायम करेंगे जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा जफर ज़हीर ने 28 साल की उम्र में शुमारियात में पीएचडी की डिग्री हासिल की और इसी उम्र में हायर एजुकेशन कमीशन की जानब से उन्हें असिटेंट प्रोफेसर की हैसियत से तैनाती का हुक्मन मिला डॉक्टर जफर झही ने किसी नामी गिरामी इदारे से नहीं बल्कि अफगान कॉलोनी में वाक घर के करीब गली में कायम एक सरकारी स्कूल से तालीम का आगाज किया और आखिर तक सरकारी इधारों में जेर तालीम रहे दो हज़ार चार में मास्टर्स करने के बाद दो हज़ार दस में पिशावर यूनिवर्सिटी से पी एच डी की डिग्री हासिल की इनके बकौल वो पी एच डी डिग्री हासिल करने वाले कम उमन तरीन डॉक्टर हैं पाकिस्तान ने मुझे बहुत कुछ दिया है अगर मैं पी एच डी हूँ आजेस्ट पी एच डी हूँ पुख्तु में तो यह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से मैं हूँ अगर मैं इस एन कर तो ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का तालुक एक मुतवस्त खानदान से है इनके वाल पाक फौज में हवलदार थे जबकि खानदान के दीगर अफ़राद मामूली तलीमिया याफ्ता हैं मैंने हमेशा उसको यही मशवरा दिया है कि सबसे पहले पाकिस्तान पहले पाकिस्तान के बारे में इस मुल्क के बारे में इस नस्ल के बारे में आने वाले नस्लों के बारे में इनके बारे में सोचो आप एक प्राइम प्राइमरी स्कूल से सरकारी स्कूल से उठ के गए आप इस मुल्क का हक अदा करो यहाँ के बच्चों का मुस्तबिल बनाओ यहाँ के अपने बच्चों का मुस्तबिल बनाओ डॉक्टर ज़फर जहीर पीएचडी स्कॉलरशिप पर अमेरिका भी गए और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में रिसर्च के बाद वापस पाकिस्तान आने ही को तरजीह दी एक्सक्यूज देते हैं कि यहाँ पर इन्वामेंट सही नहीं है आपको डिस्करेज किया जाता है और बाहर से आपको अट्रैक्टिव पैकेजेस मिलते हैं लोग पीपल्स से कि पाकिस्तान हमें कुछ नहीं दे रहा पाकिस्तान इज़ नथिंग लाइक इज जस्ट अ कंट्री राइट पाकिस्तान को हमने देना है हम क्यों बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान हमें कुछ नहीं देता है हमें ये ज़मीन दी गई है जहाँ पे हम रह रहे हैं क्या कम है जो लोग बाहर होकर आते हैं वहाँ पर पता तो चले कि वहाँ पर आपकी क्या वैल्यू होती है एज अ सेकेंड सिटीजन थर्ड सिटीजन यू हैव टू लिव देर आपने वहाँ पर जिंदगी गुजारनी होती है अमेरिका में मुझे स्टे करने की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी आई स्पेंड टाइम देर आई कुड हैव एक्सटेंडेड मैं अपने वीज़ा एक्सटेंड कर सकता था फाइव ईयर्स तक जो कि मैंने नहीं किया डॉक्टर जफर जहीर जैसे लोगों के लिए बाहर के दरवाजे खुले हैं मगर वतन से मोहब्बत का जज्बा रखते हुए वो मुल्क के अंदर दरशां मुस्तबिल के लिए कोशां हैं अब देखना यह है कि हुकूमत ऐसे लोगों के लिए उनकी खिदमत का क्या सिला देती है मुमताज़ बंगश डॉन न्यूज़ पिशावर